सिटी सेंटर में इसका अपडेट लेने कि यहाँ पे क्या क्या और क्या क्या बन चुका है और क्या क्या बनने वाला है और ये कब खुलेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या क्या बन चुका है और क्या क्या बनने वाला है। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये पड़ता है पटना के थज्जूबाग में, या आप कह सकते हैं पटना के लोधीपुर में। ठीक सामने आपको मिलेगा फायर ऑफिस। अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो आपको पड़ेगा गांधी मैदान और राजापुर पुल, और राइट साइड आपको सीधे ले जाएगा स्टेशन और डाक बंगला की ओर। और बाकी की लोकेशन की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर आप डाक बंगला या म्यूजियम के साइड से आएंगे तो आपको पड़ेगा सबसे पहले गेट नंबर 2, और अगर आप गांधी मैदान से आएंगे तो आपको पड़ेगा गेट नंबर 1, और यहाँ लिखा है द रेसिडेंसी सिटी सेंटर पटना। तो ये देखिए गाइस, पटना का सबसे बड़ा मॉल अंबुजा सिटी सेंटर मॉल, जो पटना का सबसे बड़ा मॉल होने वाला है। इस वीडियो में आपको मिलेगी जानकारी कि ये कब खुल रहा है और ये कितना। ये देखिए गाइस, वहाँ लिखा है बिहार म्यूजियम ऑफ वैक्स, यहाँ पे बनने वाला है बिहार का सबसे पहला वैक्स म्यूजियम। और ठीक मिडिल में आपको मिलेगा अंबुजा नियोशिया का लोगो, और उसके ऊपर मिलेगा आपको बैरिस्टा का आउटलेट, यहाँ पे आप कॉफी वगैरह पी सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ खुल रहा है पटना का सबसे बड़ा आयोनिक सिनेमा हॉल, और साथ ही आपको उस साइड मिल जाएगा शॉपर शॉप्स का एक आउटलेट, और उसके ठीक नीचे मिलेगा आपको सिटी सेंटर का लोगो। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। फ्रेंड्स, इस साइड एक बोर्ड लगा है जहाँ पे लिखा है कि यहाँ इस मॉल में कौन कौन से ब्रांड के आउटलेट मिलेंगे। यहाँ पे आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड के आउटलेट्स यहाँ बनने वाले हैं, जैसे लिवाइस, नाइका, डब्लू, ओरेलिया और भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स। यहाँ पे आपको मैक्स के भी शोरूम मिलेंगे, और पार्किंग की भी अच्छी खासी यहाँ व्यवस्था की गई है। ये गाइस, बाहर से जब इतना बड़ा लग रहा है तो अंदर तो बहुत ही बड़ा होने वाला है ये। तो ये है बनने वाला पटना का सबसे बड़ा सिटी सेंटर मॉल, जहाँ आपको देखने को मिलेगा बिहार का सबसे पहला वैक्स म्यूजियम और आयोनिक सिनेमा हॉल। गाइज, ये अभी बाहर से तो कंप्लीट हो चुका है, बट ये अंदर से भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके लिए अभी मैंने पूछा गार्ड से, तो इन्होंने बोला कि अभी कम से कम जुलाई तक या अगस्त फर्स्ट वीक में ये ज़रूर ओपन हो जाएगा। आपने देखा कि ये सिटी सेंटर बन के तैयार हो चुका है, और बट ये अंदर से भी बनना बाकी है, तो कम से कम इसको 1 या 2 महीने ज़रूर लगेंगे कंप्लीट होने में। ये जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय।